हेलो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आरएस नॉमेनक्लेचर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आरएस नॉमेनक्लेचर क्या होता है और इसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में आर और एस कैसे निकालेंगे। इसको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन भी बोलते हैं और सीआईपी नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। सीआईपी नॉमेनक्लेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कायरल कार्बन होता है उसके ओर जो चारों ओर उसके जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको साइंटिस्ट जो हमारे थे कान और एनगोल्ड प्रीलॉग, उन्होंने दिया था। इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं सीआईपी कॉन्फिगरेशन या फिर सीआईपी नॉमेनक्लेचर। तो इस वजह से आरएस नॉमेनक्लेचर का नाम सीआईपी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा जाता है। तो इस वजह से हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन कही गई नाम से इसको हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं रेक्टस और सिनिस्टर क्या होता है। आर मतलब होता है रेक्टस और एस मतलब होता है सिनिस्टर। तो राइट मतलब ये आपका राइट जो लिखा है ये क्या है और ये लेफ्ट, तो ये जो रेक्टस है यही हमारा जो है आर, ये राइट है और ये हमारा क्या है सिनिस्टर मतलब लेफ्ट है। तो जो क्लॉक वाइज होगा वो हमारा राइट हैंड साइड होता है और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा एंटी क्लॉक वाइज। तो ये आप लोगों को पता है ऑफिशियल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होती है और वो क्लॉक वाइज रोटेशन में होती है, उसको बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन देन क्लॉक वाइज रोटेशन कॉल्ड आर कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा जब एंटी क्लॉक वाइज होगा तो आपका हो जाएगा क्या एस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है। सी आई पी नॉमेनक्लेचर के बारे में आपने यहाँ तक अब ये आपने पढ़ा, उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ट्रिक हमने बनाई है जो आप लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या केस होता है इसमें। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपका है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद बहुत अच्छे से रखना है कि आर क्या है और एस क्या है और कब होगा क्लॉक वाइज कब होगा एंटी क्लॉक वाइज। उस केस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आर आपका जब होगा जब वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब आपका आर होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वर्टिकल लाइन पे तो आपका एस होगा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब अगर जो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो आपका आर होगा, अगर जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो आपका एस होगा। वो किस केस में, हॉरिजॉन्टल में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि ये क्या होता है, कि वर्टिकल के केस में क्या होगा हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वर्टिकल कौन सी है हॉरिजॉन्टल कौन सी है। ये आपकी लाइन होती है ये जो, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये आपकी जो होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी वर्टिकल कौन सी हॉरिजॉन्टल है। अब हम लोग निकालेंगे इसमें आर और एस, कैसे निकालते हैं आर और एस। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हाइयर एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि हाइएस्ट एटॉमिक नंबर इसमें किसका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये तो आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी कहाँ पर पाई जाएगी, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एटॉमिक नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी लोएस्ट प्रायोरिटी है और कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी, किसकी किसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या है ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चूंकि कार्बन से ज़्यादा होता है इसलिए ये इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट दे देते हैं। और इसके बाद में यह कार्बन आता है, तो यहाँ पर कार्बन के बाद में क्या है आपके पास में ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, पहले कार्बन आता इसलिए हम इसको प्रायोरिटी पहले दे रहे थे। अब हम दे रहे हैं किसको प्रायोरिटी, यहाँ पर हमने लिखा 2, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर 2, और उसके बाद में हमारा क्या है क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन था इसलिए हम इसको प्रायोरिटी दे रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा 3 हो गया और ये हो गया 4। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आपको ये तो पता चल गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे
जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है तो ये आपको देखना है यहाँ पर रोटेशन कैसे होगा। तो आपको इसके लिए रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि रोटेशन कैसा हो रहा है। तो रोटेशन कुछ इस तरह से होगा आपका, इस तरह से। अब आपने ये देखा कि हम हॉरिजॉन्टल के केस में आपको क्या बताए थे कि हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, जब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये क्या निकल के आ गया, एस निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, एस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है एस। तो अब यहाँ पर आपको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपको देखना है एटॉमिक नंबर किसका होता है। सबसे पहले आपने देखा इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर था, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी सबसे पहले दे दी थी। फिर हमने देखा कि कार्बन और यहाँ कार्बन, तो हम दोनों में किसको प्रायोरिटी दे, फिर हम उसके एडजेसेंट वाला देखते हैं एलिमेंट कौन सा है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो हम यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको दो मेंशन किए हैं, इसको प्रायोरिटी हमने दे दी। उसके बाद में हमने क्या दिया यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर थ्री मेंशन कर दिया और ये हमारा चौथा हो गया। तो ये हमने यहाँ पर फोर मेंशन किया क्योंकि ये हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एस हो गया। तो एज इट इज हम और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बी आर है आपका, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, बी आर है और यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर ओ एच है और ये आपका क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कौन सी प्रायोरिटी हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बी आर है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या होता है कि आपका 35 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है तो हम बी आर को प्रायोरिटी देंगे। देन देखेंगे कार्बन है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे 2, क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर 8 होता है और कार्बन का कम है, तो हम इसको क्या दे देंगे, 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको दे देंगे 4। तो इसलिए अब इसमें आप देखिए कि रोटेशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर आप रोटेशन अगर जो चेक करेंगे तो रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसा हो रहा है, आपको ये कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये, तो ये भी आपका जैसे यहाँ पर हो रहा था क्लॉकवाइज रोटेशन, वैसे ये भी घड़ी की सुई की तरह से चल रहा है, ये भी तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। बट इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे आ गई, बट यहाँ पर क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी, यहाँ पर आ गया आपका वर्टिकल लाइन पे। तो आपका वर्टिकल लाइन पे आपने क्या देखा था कि जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आर। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर, आर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आई, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले किसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर था, मेंशन कर दिया, फिर आपने देख लिया कि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देन आपने मेंशन कर लिया कि लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल पे है या फिर वर्टिकल पे है, क्योंकि वर्टिकल पे है तो इसलिए आपने क्या दे दिया यहाँ पर, आर। वर्टिकल पोजिशन है और क्लॉकवाइज रोटेशन है आपकी, आपने यहाँ पर लिख दिया आर। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, आर। वैसे ही हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका सी एच ओ, ये है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपकी एल्किल ग्रुप। तो ये आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कार्बन है ऑक्सीजन है, फिर से हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज़्यादा दे देंगे और फिर उसके बाद में कार्बन है तो हम कार्बन को दूसरा देंगे, कार्बन के बाद में चूंकि ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है, इसके बाद में क्या है हमारा हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। और यहाँ पर आपने देखा था कि कार्बन के बाद हाइड्रोजन है फिर हाइड्रोजन है, तो इस वजह से हम इसको प्रायोरिटी ना दे करके इसको दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3 और ये आपका हो गया 4। तो इस वजह से आपने क्या देखा यहाँ पर, किस तरह से अब ये आपको रोटेट कराना है, ये आपने रोटेट कराया तो आपने क्या देखा कि इसमें रोटेशन कैसा हो रहा है, आपने क्या देखा यहाँ से इस तरह से रोटेशन हो रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, बट क्या है इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है। अभी आपने क्या देखा था यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या था, क्लॉकवाइज रोटेशन था और यहाँ पर भी क्या थी, आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे थी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये भी क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो ये भी आर हो गया आपका, चूंकि वर्टिकल लाइन पे आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है और आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पर हमने क्या लिखा था आपको, क्लॉकवाइज रोटेशन है
और आर कब होगा आपका, ये क्लॉक वाइज रोटेशन होगा किस पे, वर्टिकल पे, तो ये वर्टिकल पे आपका क्या है, क्लॉक वाइज रोटेशन है, इसका मतलब क्या है आपका, आर हो गया। हम आगे के एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है आपका एम एन ग्रुप है, ये नाइट्रोजन NH2 है, और ये क्या है आपका CH3, ये CO कार्बोक्सिलिक एसिड है, एबीन है, और ये आपका एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, कार्बन की नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा है तो हम किसको देंगे, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है तो हम इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दे देंगे। फिर ये आ जाएगा हमारा सेकेंड, और ये आ जाएगा आपका थर्ड, और ये दे फोर्थ। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा क्लॉक वाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पर भी आपका क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है आपका लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है आपका लोएस्ट प्रायोरिटी, ये किस पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पे, किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, और आपका रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉक वाइज रोटेशन जब होता है हॉरिजॉन्टल पे तो क्या हो जाता है, एस। तो आपको यहाँ से क्या समझ आया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पर ये हमने लिया है CH2OH, ये OH, ये CH2, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बन है, ये CH2 है, यहाँ पर हम जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले ऑक्सीजन को मेंशन करेंगे, फिर तो हमारा CHO है, तो इसको भी आप तो इतने एग्जाम्पल लगा के आप भी होगा लगा लेंगे अपने आप से यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर कैसे हम रोटेट कराएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये भी हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी कैसे है, हॉरिजॉन्टल पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल पे है, और कैसा रोटेशन है यहाँ पर, क्लॉक वाइज रोटेशन है। तो कैसा समझे आप लोग, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हमने बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल पे जब लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट होगी क्लॉक वाइज रोटेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या है CHO, आपको पता है डिहाइड ग्रुप है, मेन ग्रुप है BR। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी आपको पता है BR सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आप जानते हैं नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद में CHO है, चूँकि कार्बन आपका यहाँ पर है कम है नाइट्रोजन से, तो ये हम 3 दे देंगे इसको प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि इसमें रोटेशन, सबसे पहले हम लोग रोटेशन चेक करेंगे, तो रोटेशन को चेक करने के लिए हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी हमारी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है, क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, है तो क्लॉक वाइज रोटेशन है, क्लॉक वाइज रोटेशन, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी कहाँ पाई जा रही है, लोएस्ट प्रायोरिटी पाई जा रही है हमारी 4 पे, उस पे वर्टिकल पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आर हो गया, ये आपको समझ आ गया कि लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी कहाँ पाई जा रही है, ये देखिए वर्टिकल लाइन है ये आपकी, ये वर्टिकल लाइन है और लोएस्ट प्रायोरिटी पाई जा रही है, और रोटेशन भी आपका क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है आपका, क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, वर्टिकल लाइन है आपकी, क्लॉक वाइज रोटेशन है, वर्टिकल लाइन है, क्लॉक वाइज रोटेशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपको आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों ने कुछ सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।